हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल रतन तंवर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो पढ़ने चाह रहे हैं वो है क्लास 12वीं साइंस में सब्जेक्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो सिलेबस है आरबीसी हिंदी मीडियम में बायोलॉजी में हम लेसन नंबर 6 वंशागति का आणविक आधार मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसमें हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा डीएनए। व्हाट इज डीएनए, डीएनए क्या होता है, सजीव कोशिकाओं में कहाँ पाया जाता है, इसका क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक वो चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आनुवांशिक जो पदार्थ होता है वो क्या होता है। आनुवांशिक पदार्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे। आनुवांशिक पदार्थ है वह पदार्थ जो CHONP से मिलकर बना होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों को पहुंचाने का कार्य करता है। उसे हम बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, हम आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। यानी कहने का मतलब है जेनेटिक मटेरियल क्या है, वह पदार्थ जो CHONP से मिलकर बना होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों को पहुंचाने का कार्य करता है, उसे हम बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ है, वो कहते हैं। सजीवों में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों के रूप में पाया जाता है। यानी कहने का मतलब है ये कोई कोशिका है, इस कोशिका का ये केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम, गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। जैसे मनुष्य में क्रोमोसोम नंबर गुणसूत्रों की संख्या है वो 46 पाई जाती है। नर और मादा में जो गुणसूत्र होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। तो ये गुणसूत्रों के रूप में आनुवांशिक पदार्थ है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये जो आनुवांशिक पदार्थ होता है जो गुणसूत्रों के रूप में पाया जाता है, इसे केंद्रीय अम्ल या न्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है। इस पदार्थ को क्या कहा जाता है, न्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं जो केंद्रीय अम्ल या न्यूक्लिक जो एसिड है वो कितने प्रकार के होते हैं, न्यूक्लिक जो एसिड है वो कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। न्यूक्लिक अम्ल है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो दो प्रकार के हैं। पहला तो होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल या केंद्रीय अम्ल कहते हैं इसे। डीएनए और आरएनए दो प्रकार के होते हैं। हमें पता है कि डीएनए लगभग सभी सजीव कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, केवल कुछ को छोड़कर। जैसे हम वायरसों की बात करें तो इसमें आता है TMB, टोबेक मोजेक वायरस, टोबेक मोजेक वायरस आता है। दूसरा आता है एड्स वायरस, जो एक तो है TMB और दूसरा होता है एड्स वायरस।
इसमें जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो पाया जाता है, आरएनए है वो पाया जाता है। टीएमबी की फुल फॉर्म है टोबेक मोज़ेक वायरस, एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इनमें अनुवांशिक पदार्थ का जो कार्य है वो आरएनए करता है, कौन करता है? आरएनए करता है। और बाकी सभी जीवित कोशिकाओं में अनुवांशिक पदार्थ का जो कार्य है वो किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है डीएनए के द्वारा किया जाता है। डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स होता है, कैसा होता है? डबल हेलिक्स। और इसका जो पूरा नाम है वो होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जबकि आरएनए है उसका नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और इसकी संरचना है वो एक रज्जु की होती है, आरएनए की जो संरचना है वो एक रज्जु की है वो पाई जाती है। ये इसकी सामान्य जानकारी है डीएनए और आरएनए के बारे में। अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे डीएनए के बारे में कि डीएनए की खोज किसने की, डीएनए किससे मिलकर बना होता है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक है वो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं डीएनए, डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसके बाद में मैं बात करता हूं, सबसे पहले डीएनए की जो खोज है वो की गई 1869 में, 1869 में की गई थी, 1869 में की गई खोज इसकी, और वो की थी फ्रेडरिक मेक्चर, फ्रेडरिक मेक्चर ने, और वो की थी पस सेल्स यानी मवाद कोशिकाओं में, मवाद कोशिकाओं में सबसे पहले इसकी खोज की थी फ्रेडरिक मेस्टर ने, मवाद कोशिकाओं में इसकी खोज की। और इसको न्यूक्लीन नाम दिया, इसको नाम दिया था न्यूक्लीन, क्या नाम दिया था इसको? न्यूक्लीन है वो नाम है वो प्रदान किया गया था। उसके बाद में वैज्ञानिक आया अल्टमान, अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा? अल्टमान ने इसको न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया, डीएनए का नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया अल्टमान ने। उसके बाद में जे चेस नामक वैज्ञानिक था, जे चेस नामक वैज्ञानिक ने इसको नाम दे दिया डीएनए, क्या नाम दिया? जे चेस ने इसको नाम में दिया था डीएनए है वो नाम में दिया गया। तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, 1869 में फ्रेडरिक मेसन ने मवाद कोशिकाओं में इसकी खोज की और नाम दे दिया इसका न्यूक्लीन, अल्टमान ने इसका नाम दिया न्यूक्लिक एसिड, और जे चेस ने इसका नाम दे दिया डीएनए, क्या नाम दे दिया इसने? डीएनए। और डीएनए की जो एक इकाई है उसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, डीएनए की एक इकाई है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड, क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड है वो कहा जाता है। तो ये डीएनए के बारे में है वो सामान्य जानकारी है, सामान्य जानकारी हमने पढ़ी है कि डीएनए क्या होता है, कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। अब इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं, अब इसके बाद में हम चर्चा करते हैं न्यूक्लियोटाइड की संरचना, न्यूक्लियोटाइड की संरचना, न्यूक्लियोटाइड की संरचना, न्यूक्लियोटाइड की संरचना में सबसे पहले आता है पेंटोज शर्करा, पॉइंट नंबर टू आता है नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक, पॉइंट नंबर तीन आता है फास्फेट समूह। ये तीन न्यूक्लियोटाइड की संरचना में भाग लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पेंटोज शर्करा के बारे में, हम बात करेंगे कि पेंटोज शर्करा क्या है।
पेंटोज जो शर्करा होती है ये एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। जो फेंटोज शर्करा है वो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, जो मोनोसेकेराइड होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CH2O N, CH2O N होता है। और जो पेंटोज शर्करा होती है वो दो प्रकार की पाई जाती है, पेंटोज शर्करा है वो दो प्रकार की पाई जाती है। सबसे पहली शर्करा की मैं बात करता हूं तो इस शर्करा को हम बोलते हैं राइबोज, राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा यानी पेंटोज शर्करा है। वो कितनी प्रकार की है? टू टाइप्स की है। तो पहला टाइप्स इसका आता है राइबोज शर्करा। ये है शर्करा जो होती है वो RNA में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? RNA में। और इसका अणुसूत्र है C5H10O5 होता है। राइबोज शर्करा है वो पाई जाएगी RNA में, और इसका सूत्र बोर्ड पे लिखा हुआ C5H10 और O5 होती है। अब देखो, अब इसका हम संरचना सूत्र बनाते हैं पेंटोज शर्करा का, ये राइबोज शर्करा का हम संरचना सूत्र बनाते हैं। ऑक्सीजन हो गया पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5 कार्बन। तो इसको हम नाम दे सकते हैं जैसे C1, C2, C3, C4 और ये हो गया 5वां कार्बन, तो C5 कार्बन। कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन हो गए। यहां जुड़ा हुआ है H, यहां जुड़ा हुआ है OH, जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 2 पर, जुड़ा हुआ है H और यहां जुड़ा हुआ है OH, जुड़ा हुआ है क्या? जुड़ा हुआ है OH, वो जुड़ा हुआ है। यहां जुड़ा हुआ है H और यहां जुड़ा हुआ है OH है, वो जुड़ा हुआ है। यहां पे H जुड़ा हुआ है और यहां जुड़ा है CH2OH, CH2OH जुड़ा हुआ है। ये संरचना है राइबोज शर्करा की संरचना है। किसकी संरचना है? राइबोज शर्करा की संरचना है वो पाई जाती है। यानी ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5वां कार्बन। इसमें देखो कार्बन परमाणु 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गए। ऑक्सीजन परमाणु 5 है तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गए। हाइड्रोजन 10 है तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और ये सॉरी 1, 2, 3, 4, 5 और 5 और ये 11, 6 और इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये कितने हो गए? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 10, तो C5H10O5 हो गया। ये इसमें जो संख्या आपके दी हुई है वो इस प्रकार से है। तो ये राइबोज शर्करा है। अब दूसरी जो शर्करा आती है उसको हम बोलते हैं डीऑक्सी। दूसरी शर्करा का नाम है डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। दूसरी शर्करा जो पाई जाती है उसका नाम है डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। अब डीऑक्सी जो राइबोज शर्करा है और जो राइबोज शर्करा है उसमें डिफरेंस इतना ही होता है। यहाँ पे ये सेकेंड नंबर जो कार्बन पर है उस पर एक ऑक्सीजन परमाणु कम होता है और इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा C5H10O4, C5H10 और O4 हो जाएगा इसका सूत्र। तो इसको इस प्रकार से हम व्यवस्थित करते हैं। यानी कहने का मतलब सिंपल सा है कि डीऑक्सी राइबोज शर्करा में क्या होता है, इसमें कार्बन वाले के 2 नंबर कार्बन पर एक ऑक्सीजन की कमी होती है, अतः इसे शर्करा को डीऑक्सी राइबोज शर्करा है वो कहा जाता है। तो ये दोनों की संरचना है राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज शर्करा की। अब इसके बाद में हम न्यूक्लियोटाइड की संरचना में पहला पॉइंट हो गया पेंटोज शर्करा। तो पेंटोज शर्करा में 2 बिंदु हमने किए, पहला तो किया राइबोज शर्करा और दूसरा पॉइंट है वो हमने किया पेंटोज शर्करा। अब इसमें दूसरा पॉइंट हमारा आता है नाइट्रोजनी, नाइट्रोजनी क्षारक,
नाइट्रोजनी क्षारक है वो दो प्रकार के हैं। पहले को हम बोलते हैं प्यूरीन, क्या बोलते हैं प्यूरीन, और दूसरे को हम कहते हैं पिरिमिडीन। क्या बोलते हैं? पिरिमिडीन बोलते हैं। तो नाइट्रोजनी जो क्षारक हैं वो दो प्रकार के हैं, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे इसकी प्यूरीन के बारे में। प्यूरीन के बारे में हम बात करते हैं, इस प्रकार के नाइट्रोजन क्षारकों में दो वलय पाई जाती है, एक तो होती है यूरिमिडेन वलय और इमिडाज़ोन वलय पाई जाती है। और इसमें नाइट्रोजनी जो क्षारक होते हैं वो दो प्रकार के हैं, ए का नाम होता है एडिनिन और दूसरा होता है जी, जी को हम बोलते हैं ग्वानिन। क्या बोलते हैं? ग्वानिन। इसी प्रकार जो पिरिमिडीन नाइट्रोजनी क्षारक है उसमें नाइट्रोजनी क्षारकों के निर्माण में एक ही वलय पाई जाती है, उस वलय का नाम है पाइरिमिडीन वलय पाई जाती है। और इसमें तीन प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक है, सीटीयू, सी का नाम होता है साइटोसिन, क्या नाम होता है? साइटोसिन। और टी का जो नाम है वो होता है थाइमिन, क्या होता है? थाइमिन। और यू को हम बोलते हैं यूरेसिल, क्या बोलते हैं? यूरेसिल। अब देखो ये जो चार नाइट्रोजनी क्षारक हैं ए जी सी टी, ये तो होते हैं डीएनए में, किसमें होते हैं? डीएनए में। अब आरएनए में थाइमिन के स्थान पर है वो पाया जाता है यूरेसिल, बाकी नाइट्रोजनी जो बेस हैं वो एक समान है, वो पाए जाते हैं, एक की संरचना होती है सभी की और कोई डिफरेंस है वो नहीं होता, इनमें एक जैसी संरचना है वो पाई जाती है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो डीएनए है डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारक ए जी सी टी, और आरएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारक है ए जी सी यू, ये चार नाइट्रोजनी क्षारक है वो पाए जाते हैं। डीएनए में एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन और थाइमिन, एडिनिन आरएनए में होता है एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल है वो पाया जाता है। तो ये होते हैं नाइट्रोजनी बेस होते हैं, क्या होते हैं? नाइट्रोजनी बेस है वो पाए जाते हैं। अब इसके बाद में न्यूक्लियोटाइड की संरचना में तीसरा पॉइंट हमारा बच गया, उस पॉइंट का नाम है फास्फेट समूह। क्या नाम है? फास्फेट समूह, उसको हम बोलते हैं फास्फेट समूह बोलते हैं। अब देखो फास्फेट समूह, सबसे मैं पहले मैं बात पकड़ता हूं फास्फोरिक अम्ल की। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र है H3PO4, ये बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल बोलते हैं। अब इसकी मैं संरचना बनाता हूं, तो मैंने बनाया पी डबल बॉन्ड O, 1 2 3, यहां जोड़ दिया OH, और ये जोड़ दिया मैंने OH, ये हो गया फास्फोरिक अम्ल। क्या हो गया? फास्फोरिक अम्ल। अब यहां से इससे माइनस तीन, तीन हाइड्रोजन परमाणुओं का निष्कासन हो गया, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया PO, यहां सभी एकल बंध एकल बंध एकल बंध, ये हो गया एकल बंध, से सभी आपस में क्या है? जुड़े हुए। और इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे PO4 -3 -3, ये हो गया फास्फेट। क्या हो गया? फास्फेट। यहां देखो फास्फेट समूह, फास्फोरिक अम्ल का सूत्र है H3PO4, इसको मैं दर्शा सकता हूं पी डबल बॉन्ड ओ, एकल बंध से OH, एकल बंध से OH, एकल बंध से OH, यहां तीन हाइड्रोजन परमाणुओं का निष्कासन, तो पी डबल बॉन्ड ओ, एकल बंध एकल बंध एकल बंध, और इनके मध्य कौन सा बंध है? एकल बंध। तो PO-3, ये होता है फास्फेट समूह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फास्फेट समूह है वो पाया जाता है। अब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं इसमें पॉइंट्स पॉइंट्स में। हम अब बात करते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड की संरचना में हमें पता है सभी को कि तीन कारक हैं वो भाग लेंगे। कितने कारक हैं वो भाग लेंगे? तीन। तीन में सबसे पहले आता है इसमें पेंटोज शर्करा। क्या आता है? पेंटोज शर्करा आता है। पेंटोज शर्करा हमें पता ही है दो प्रकार की होती है, राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज शर्करा। दूसरा होता है नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी क्षारक होता है। और तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है इसमें, वो आता है फास्फेट समूह। ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण है वो करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लियोटाइड का है वो निर्माण करते हैं।
अब न्यूक्लियोटाइड की संरचना में ये किस प्रकार से जुड़े होते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड है उसमें सबसे पहला आएगा यहां पे पेंटोज शर्करा, प्लस नाइट्रोजनी क्षारक, ठीक है, प्लस फास्फेट समूह, ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण है वो करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण है वो करेंगे। अब इसकी संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड का निर्माण है वो होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बहुत ही, तो इसको ध्यान से आप देखेंगे बोर्ड पे कि किस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड का निर्माण है वो होता है। सबसे पहले ये है ऑक्सीजन, यहां एक ये कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, और एक नंबरिंग दे दो, एक दो तीन और ये चार और ये पांचवा कार्बन, ठीक है। कितने कार्बन हो गए यहाँ पे? पांच कार्बन हो गए। कितने हो गए? पांच कार्बन हो गए, ठीक है। यहां पे सबसे पहले मैंने जोड़ दिया H, क्या जोड़ दिया? H, और H यहां मैंने जोड़ दिया H और H। पेंटोस शर्करा में दूसरे कार्बन परमाणु पर एक ओ कम पाया जाता है, यहां मैंने जोड़ दिया H और ये ओ एच, क्या जोड़ दिया? ओ एच, यहां जोड़ दिया एच और यहां जुड़ेगा पी, और यहां जो फर्स्ट कार्बन है इस पर यहां जुड़ जाएगा, जैसे नाइट्रोजनी क्षारक का वो नाम दे दिया मैंने जी, क्या जुड़ जाएगा? जी है वो यहां जुड़ जाएगा, ठीक है, क्या जुड़ जाएगा? जी जुड़ जाएगा। यहां देखो शुरू से इसको एक बार देखेंगे, ये जो संरचना है ये है डी ऑक्सी राइबोज सरकरा। डी ऑक्सी राइबोज सरकरा का जो अणुसूत्र होता है वो होता है C5H10O4, ठीक है, O4 होता है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे ये हो गया कार्बन एक, तो C1, ये C2, ये C3, ये C4 और ये हो गया पांचवा कार्बन। कौन सा कार्बन? पांचवा कार्बन। अब यहां पे देखो इसका जो पांचवा कार्बन है उस पांचवे कार्बन से जुड़ा हुआ है P, यानी फास्फेट बंध जुड़ा हुआ है। कौन सा बंध? फास्फेट जुड़ा हुआ है, और यहां फास्फेट और इस कार्बन परमाणु के मध्य जो बंद होता है उसको बोलते हैं फास्फो आस्टर बंद, फास्फो एस्टर बंद है इसका नाम, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं कि जो नाइट्रोजनी क्षारक है और कार्बन नंबर एक है वहां पर जो बंद होता है वो बंद होता है एन ग्लाइकोसाइडिक बंद, एन ग्लाइकोसाइडिक बंद बोलते हैं इसको, ये होता है एन ग्लाइकोसाइडिक बंद कहलाता है, ठीक है। तो ये है न्यूक्लियोटाइड की संरचना। किसकी संरचना है? न्यूक्लियोटाइड की संरचना है। इस न्यूक्लियोटाइड की संरचना में क्या बात इंपॉर्टेंट है? देखो इस न्यूक्लियोटाइड की संरचना में फर्स्ट कार्बन पर जुड़ा होता है नाइट्रोजनी क्षारक, ठीक है, और इसके बाद में हम बात करते हैं पांचवे कार्बन पर जो पेंटो शर्करा है, डीऑक्सी राइबो शर्करा, इसके पांचवे कार्बन पर जुड़ा हुआ है फास्फेट समूह है, और यहां जो बंध पाया जाता है उसका नाम होता है फास्फो एस्टर बंध बोलते हैं। फास्फो एस्टर बंध है वो पांचवे कार्बन से जो फास्फेट समूह पाया जाता है वहां पे पाया जाता है। न्यूक्लियोसाइड की संरचना में नाइट्रोजनी क्षारक वह पेंटो शर्करा के एक नंबर कार्बन पर एन ग्लाइकोसाइडिक बंध है वो पाया जाता है, यानी फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटो शर्करा के पहले कार्बन के मध्य जो बंध है उसका नाम हो गया एन ग्लाइकोसाइडिक बंध।
फास्फेट समूह पेंटो शर्करा के पांचवें कार्बन से फास्फोएस्टर बंध से जुड़ा होता है, ये बंद होता है, फास्फोएस्टर बंद होता है। नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटो शर्करा है वो मिलकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करेंगे। किसका? न्यूक्लियोसाइड का। यानी कहने का मतलब है पेंटोज शर्करा और इसके साथ में N2 क्षारक दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड का है वो निर्माण करेंगे। अब बात आती है न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट समूह, यानी कहने का मतलब है न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट समूह है। ये दोनों मिलकर करेंगे न्यूक्लियोटाइड। यानी कहने का सिंपल सा मतलब है न्यूक्लियोटाइड का निर्माण पेंटोस शर्करा नाइट्रोजनी क्षारक प्लस फास्फेट समूह से मिलकर होगा। ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड के मॉलिक्यूल का निर्माण है वो करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है डीएनए में बंध के प्रकार। डीएनए में जो बंध है वो कौन कौन से बंध है वो पाए जाते हैं, इन बंधों के बारे में हम विस्तार पूर्वक है वो चर्चा करेंगे। इससे पहले जो मैंने अभी आपको रिपीट किया वो दोबारा बताता हूं, वो बात जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बात है इंपॉर्टेंट पेंटोज शर्करा प्लस N2 क्षारक दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। फिर हम कहते हैं जैसे हैं पेंटोज शर्करा प्लस N2 क्षारक प्लस फास्फेट समूह, ये तीनों मिलकर बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेंगे। फास्फेट समूह है प्लस इन दोनों की जगह हम लिख सकते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या लिख सकते हैं? न्यूक्लियोसाइड भी लिख सकते हैं। ये मिलकर है वो क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण है वो करते हैं। यानी कहने का मतलब है न्यूक्लियोटाइड का जो निर्माण होता है उसमें पेंटोस शर्करा भाग लेती है, फास्फेट समूह भाग लेता है और नाइट्रोजनी क्षारक है वो भाग लेते हैं। तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड का है वो निर्माण करते हैं। तो इसको बोर्ड पर देखिए ध्यान से आप। अब इसके बारे में हमने बता दिया न्यूक्लियोटाइड के बारे में, अब हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। डीएनए जो होता है उसमें कौन कौन से बंध पाए जाते हैं और उन बंधों की क्या क्या विशेषता होती है, कहाँ पर वो बंध पाए जाते हैं, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक वो चर्चा करेंगे। डीएनए में बंध इम्पोर्टेंट, बॉन्डिंग किस प्रकार की होती है डीएनए में उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात डीएनए पेंटोस शर्करा की संरचना बना दी हमने, ये हो गए इसके पांच कार्बन। कितने हो गए इसके? पांच कार्बन। इनकी नंबरिंग कर देंगे हम, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर पांचवा कार्बन। कितने कार्बन हो गए? पांच कार्बन हो गए। तो इनकी हमने क्या कर दी? नंबरिंग है वो कर दी है पांचों कार्बन की। ठीक है, अब हमें पता है, आपको बताया था कि यहां पर जो पांचवा कार्बन है उससे जुड़ा हुआ है फास्फोरिक अम्ल, पहला कार्बन है उससे जुड़ा हुआ है नाइट्रोजनी क्षारक। क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजनी क्षारक। ठीक है, ये इसकी दूसरी संरचना,
दूसरी संरचना होगी। ठीक है, अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं नंबरिंग। ये हो गया इसमें पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और ये कार्बन नंबर पांच। कितने कार्बन हो गए? पांचवा कार्बन। कौन सा कार्बन हो गया? पांचवा कार्बन हो गया ये। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया इसका जो पहला कार्बन है, इसका ये जो पहला कार्बन है, कौन सा कार्बन है इसका? पहला कार्बन यहां जुड़ा हुआ है सी, तो यहां पर बॉन्डिंग होगी त्रिबंध। कौन सा बंध है ये? त्रिबंध पाया जाएगा जी और सी के मध्य। ये कार्बन नंबर एक, और ये भी कार्बन नंबर कौन सा है? एक है। इस बंध को नाम देते हैं हम पहला बंध। इस बंध का नाम है हाइड्रोजन बंध। यानी कहने का मतलब क्या है, जो हाइड्रोजन बंध है वो नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य पाया जाता है। किसके मध्य? नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य। देखो नाइट्रोजनी क्षारक जी, जी का नाम होता है ग्वानिन, सी का नाम होता है साइटोसिन। दोनों आपस में हाइड्रोजन के त्रिबंध द्वारा जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा जुड़े हुए? त्रिबंध द्वारा है वो आपस में जुड़े हुए हैं। यहां देखो पांचवा कार्बन, पांचवा जो कार्बन है वो पांच पेंटो शर्करा का पांचवा कार्बन है, वो फास्फेट समूह से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और इस यहां इस बंध का नाम है फास्फो। दो नंबर दे दिया इस बंध का, फास्फो एस्टर बंध। फास्फो एस्टर बंद हो गया है। कौन सा हो गया? फास्फो एस्टर बंद हो गया। इसके बाद में मैं बात करता हूं तीसरा बंध। यहां देखो इसके बाद में हम नीचे दूसरी संरचना बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड की। तो यहां मैं दूसरी संरचना बनाऊंगा सबसे में, ये ठीक है, यहां से मैंने नंबरिंग स्टार्ट कर दी। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और ये पांचवा। यहां से मैंने बनाया ये पांच। ठीक है, अब इनकी नंबरिंग स्टार्ट कर दो, एक दो तीन, ये चौथा और ये पांचवा कार्बन। कौन सा कार्बन? पांचवा कार्बन। अब देखो यहां से, यहां ये तीसरा कार्बन है। कौन सा कार्बन है? तीसरा कार्बन। और यहां पर है ये पांच पी जुड़ा हुआ है यहाँ पे। क्या जुड़ा हुआ है? फास्फेट समूह है वो जुड़ा हुआ है, और ये फास्फेट समूह है वो किससे जुड़ा हुआ है? फास्फेट जो समूह है वो यहाँ तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। कौन से कार्बन से? तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो बॉन्डिंग है उसका नाम है तीसरा पॉइंट, फास्फो डाई एस्टर बंध। फास्फो डाई एस्टर बंध पाया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो ये फर्स्ट कार्बन है तो यहाँ ए, ये फर्स्ट कार्बन है तो टी डबल बॉन्ड टी। यहां पे इनके मध्य जो बंध है वो द्विबंध है एडिनिन और थाइमिन के मध्य। एडिनिन और थाइमिन के मध्य जो बंध है वो कौन सा बंध है? द्विबंध है वो पाया जाता है। तो यहां पर हमने फास्फोएस्टर बना हाइड्रोजन बंध, और तीसरा हो गया फास्फो डाइएस्टर बंध। अब चौथे बंध के बारे में हम बातें करेंगे। चौथा जो बंध है वो हम बात करते हैं कि यहां पर देखो यहां पर जो पेंटो शर्करा है उसका फर्स्ट जो कार्बन है वो जुड़ा हुआ है किसे? नाइट्रोजनी क्षारक से। कौन से क्षारक से? नाइट्रोजनी क्षारक से। तो ये बंध कहलाता है यहां पर एन ग्लाइकोसाइडिक बंध, एन ग्लाइकोसाइडिक बंध, एन ग्लाइकोसाइडिक बंध है वो कहलाएगा। इस बंध का हमने नाम दे दिया एन ग्लाइकोसाइडिक बंध चौथा। और लास्ट जो बंध है वो देखो यहां जी ए से जुड़ा हुआ है, ए जी से, सी जुड़ा हुआ है टी से। इस बंध का नाम जो होता है वो है हाइड्रोफोबिक बंध, हाइड्रोफोबिक बंध, हाइड्रोफोबिक बंध बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक बंध। ये बंध हो गया पांचवा बंध। कौन सा बंध हो गया? पांचवा बंध हो गया। ठीक है,
डीएनए में कुल कितने प्रकार के बंध पाए जाते हैं वो आप बोर्ड पर आसानी से देखे सकते हैं। इनको बोर्ड पर देखिए आप ध्यान से, फिर मैं आपको दोबारा से इनको क्लियर कर देता हूं। देखो देखो डीएनए में बंद है, ठीक है। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है सभी जीवित कोशिकाओं में लगभग क्या कार्य करता है, आनुवंशिक पदार्थ का है वो कार्य करता है डीएनए। अब जो डीएनए है उसमें न्यूक्लियोटाइड के तीन घटक होते हैं। तीन घटकों में सबसे पहला आता है पेंटोज शर्करा, दूसरा आता है नाइट्रोजनी क्षारक और तीसरा घटक है वो फास्फेट समूह आता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला घटक मैंने यहां बनाया, इसे हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शर्करा बोलते हैं। इस डीऑक्सीराइबोज शर्करा के अंदर कार्बन परमाणु है 1, 2, 3, 4 और 5। कितने कार्बन परमाणु है इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं? 5 कार्बन परमाणु है वो दिखाई दे रहे हैं। हमें पता है डीएनए की जो संरचना है डबल हेलिक्स होती है, दो दो द्विरज्जु की होती है, डबल हेलिक्स। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है वो यहाँ आ गया डीऑक्सीराइबोज। ये जो संरचना है यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाई दे रही है डीऑक्सीराइबोज है, जिसका सूत्र आपको पता है C5H10O4 होता है, ठीक है, पहली हो गई। दूसरा इसमें मैंने बताया नाइट्रोजनी क्षारक, ये है नाइट्रोजनी क्षारक, यहाँ जी जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के त्रिबंध द्वारा, सी से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, सी से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था फास्फेट समूह है, ये है रहा फास्फेट समूह है जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, इस जो पेंटोज शर्करा है डीऑक्सी राइबोज शर्करा है इसमें 5 कार्बन है, 1, 2, 3, 4 और 5। इसके पांचवें कार्बन से यहां जुड़ा हुआ है फास्फेट समूह जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, फास्फेट समूह है वो जुड़ा हुआ है पांचवें कार्बन से। यहां देखो यहां पर डीऑक्सी राइबो शर्करा के पांचवें कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ा हुआ है। यहां पर जो बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग का नाम है फास्फोएस्टर बंध। इस बंध का नाम हम बोलते हैं फास्फोएस्टर बंध। कहां होता है ये? डीऑक्सी राइबो शर्करा की वलय के पांचवें कार्बन से फास्फेट समूह जिस बंध द्वारा जुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं फास्फोएस्टर बंध बोलते हैं। दूसरा बंध देखो, दूसरा बंध होता है नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य। नाइट्रोजनी क्षारक हमें पता है कि डीएनए में AGCT 4 नाइट्रोजनी क्षारक हैं वो पाए जाते हैं। ए हमेशा जुड़ता है टी से और सी हमेशा त्रिबंध हाइड्रोजन के त्रिबंध द्वारा जुड़ता है जी से। किसे जुड़ता है? जी से जुड़ता है। तो यहां देखो जी है हाइड्रोजन के त्रिबंध द्वारा किसे जुड़ा हुआ है? सी से जुड़ा हुआ है। इस बॉन्ड का नाम होता है हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध है? हाइड्रोजन बंध। तो दो बंध हो गए। तीसरा बंध देखो फास्फोडाइएस्टर बंध कहाँ होता है? ये देखो बंध देखो, ये है यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शर्करा है, इसका थर्ड कार्बन है, ये तीसरे कार्बन है। तीसरा जो कार्बन है वो नीचे पेंटो शर्करा के पांचवें कार्बन से पेंटो शर्करा के पांचवें कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये तीसरा कार्बन है वो फास्फेट समूह से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर जो बंध है फास्फोडाइएस्टर बंध बोलते हैं इसको, फास्फोडाइएस्टर बंध। चौथा जो बंध है वो है एन ग्लाइकोसाइडिक बंध। एन ग्लाइकोसाइडिक बंध क्या होता है? जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा है उसका जो उसका वलय का पहला कार्बन है वो जुड़ा होता है नाइट्रोजनी क्षारक से, और यहां पे जो बंध होता है उसका नाम है एन ग्लाइकोसाइडिक बंध, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं पांचवें बंध में हाइड्रोफिबिक बंध। हाइड्रोफिबिक बंध यहां तो देखो नाइट्रोजनी क्षारक है वो हाइड्रोजन के त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं, लेकिन नीचे की ओर यहां सी और टी, जी और ए जिन बंधों के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं उन बंधों का नाम है हाइड्रोफोबिक बंध। हाइड्रोफोबिक बंध बोलते हैं। ये जो हाइड्रोफोबिक बंध है वो नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए में कुल जो बंधों की संख्या है वो 5 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 5 प्रकार के बंध हैं वो पाए
जाते हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएनए की जो संरचना हम बनाएंगे, डीएनए की खोज के बारे में हम अध्ययन करेंगे और डीएनए अनुलेखन पढ़ेंगे, अनुवादन पढ़ेंगे, तो उनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे। तो इनको ध्यान से हमें संरचना को समझना है कि डीएनए की संरचना में कौन कौन से बंद होते हैं। तो इनको बोर्ड पर देखिए आराम से और इनको ध्यान से आपको समझना है कि कौन कौन से बंद है, वो कहाँ पाए जाते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे हमने डीएनए में जो बंद हैं उनके प्रकारों के बारे में है वो हमने अध्ययन किया है। अब जो हमने आपको बताया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे शॉर्ट में। आज जो हमने हमारा टॉपिक लिया था कि डीएनए हम इसको सरल भाषा में समझेंगे कि डीएनए क्या होता है, डीएनए है किन में पाया जाता है, डीएनए है डीएनए की संरचना कैसी होती है। देखो जो डीएनए होता है वो प्रत्येक सजीव कोशिका में पाया जाता है, प्रत्येक सजीव कोशिका में डीएनए पाया जाता है। और ये जो कार्य करता है वो करता है आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों को पहुंचाने का कार्य करता है। यानी आनुवंशिक लक्षणों का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे माता पिता में जो लक्षण पाए जाते हैं उन्हीं लक्षणों को ये आगे पहुंचाने का क्या करता है, कार्य करता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। डीएनए जो होता है वो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में होता है और प्रत्येक व्यक्ति का जो डीएनए है वो अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। अलग अलग प्रकार का मतलब है कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों का डीएनए वो सेम नहीं हो सकता, केवल ट्विंस यानी जुड़वा को छोड़कर जो डीएनए है वो एक समान ही पाया जाता है सभी व्यक्तियों में। सभी व्यक्तियों में जो डीएनए है वो एक समान ही पाया जाता है, यानी डीएनए में जो भिन्नता है वो पाई जाती है। सब भी मानवों में जो डीएनए है वो अलग अलग प्रकार का डीएनए वो पाया जाता है। इस चैप्टर में हम डीएनए के बारे में विस्तृत यानी पूरा अध्ययन करेंगे, तो मैं शॉर्ट में दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि डीएनए है वो क्या होता है, ये डीएनए किन से मिलकर बना होता है, इसके बारे में शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। भी देखो डीएनए जो होता है उसका नाम, पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए की खोज मैंने बताती 1899 में फ्रेडरिक मिशर ने की थी, अल्टमान ने इसको नाम दिया था और जेचेर्स ने इसको डीएनए नाम दिया था। जेचेर्स ने इसको क्या नाम दिया था, डीएनए है वो नाम है वो प्रदान किया था। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि डीएनए जो होता है जो प्रत्येक सजीव कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है कि डीएनए की जो इकाई है, डीएनए की जो इकाई है उस इकाई को क्या कहा जाता है, डीएनए की जो इकाई है उसे कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। डीएनए की इकाई को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड है वो मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण है वो करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेंगे या डीएनए के मॉलिक्यूल का निर्माण है वो करेंगे। ये था हमारा इसका संक्षिप्त परिचय। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया न्यूक्लियोटाइड है उसकी संरचना, न्यूक्लियोटाइड है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। न्यूक्लियोटाइड की जो संरचना है उसमें मैंने बताया कि तीन कारक है वो भाग लेते हैं। सबसे पहला जो आता है वो आता है पेंटोज शर्करा। क्या आता है, पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा के बारे में हम संक्षेप में जानेंगे कि पेंटोज शर्करा क्या है। पेंटोज शर्करा मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है और मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है और इसका जो सामान्य सूत्र है वो होता है CH2ON होता है, ठीक है। और जो पेंटोज जो शर्करा होती है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहली शर्करा का नाम है राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा। दूसरी जो शर्करा होती है वो होती है
डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। ये दो शर्करा पाई जाती हैं, इनमें जो पहली शर्करा है राइबोज शर्करा वो आरएनए में पाई जाएगी और इसका अणुसूत्र होगा C5H10O5। किसमें पाई जाएगी? आरएनए में, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए में पाई जाएगी ये संरचना। और दूसरी जो शर्करा है वो डीएनए में होगी, इसका अणुसूत्र होगा C5H10O4। C5H10O4 ये शर्करा है वो किसमें पाई जाएगी? आपकी डीएनए में है वो पाई जाएगी। तो ये शर्करा है वो डीएनए में पाई जाती है, ठीक है। ये दो शर्करा होती है, इनमें डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया कि राइबोज शर्करा में एक ऑक्सीजन परमाणु है वो अधिक होता है और डीऑक्सीराइबोज शर्करा में जो डीऑक्सीराइबोज की वलय संरचना है उसमें दूसरे कार्बन पर एक ऑक्सीजन परमाणु है वो कम पाया जाता है, कार्बन नंबर 2 पर पाया जाता है। तो ये होती है पेंटोज शर्करा, ठीक है। अब इसके बाद में हम दूसरे पॉइंट के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा जो पॉइंट होता है इसमें आता है नाइट्रोजनी क्षारक, बिल्कुल इजी एकदम, नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक है वो दो प्रकार के हैं, पहला तो होता है प्यूरीन और दूसरा जो पाया जाता है उसको हम बोलते हैं पिरिमिडीन। क्या बोलते हैं? पिरिमिडीन बोलते हैं, ठीक है। अब बात हम करते हैं प्यूरीन की, किसकी बात करते हैं? प्यूरीन। प्यूरीन इस प्रकार के नाइट्रोजन क्षारकों में दो वलय हैं, एक तो यूरिमिडीन वलय बोलते हैं, पहली वलय का नाम यूरिमिडीन वलय। ये यूरिमिडीन वलय की क्या विशेषता है? इसमें दो तो नाइट्रोजन परमाणु होते हैं और चार कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, इसको यूरिमिडीन वलय बोलते हैं। दूसरी होती है इमेडोजोल वलय, दूसरी वलय का नाम है इमेडोजोल वलय। इस वलय की जो विशेषता होती है, इस वलय में दो नाइट्रोजन है लेकिन कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3 पाई जाती है। तो ये दो वलय पाई जाती है किसमें? प्यूरीन में। और प्यूरीन की जो एग्जांपल है हमें पता है ए और जी, एडिनिन और ग्वानिन। दूसरी जो नाइट्रोजनी क्षारक है उसका नाम है पिरिमिडीन। क्या नाम है? पिरिमिडीन। जो पिरिमिडीन है उसमें जो वलय पाई जाती है उसको पाइरिमिडीन वलय बोलते हैं। कौन सी वलय बोलते हैं? पाइरिमिडीन वलय, एक ही वलय पाई जाती है, पाइरिमिडीन वलय, एक ही वलय है वो पाई जाती है। और पिरिमिडीन का जो एग्जांपल है CTU होता है, CTU, सी साइटोसिन, टी थाइमिन और यू यूरेसिल होता है जो आरएनए में पाया जाता है, जिसके बारे में हमें पहले ही जानकारी है, ठीक है। अब इसके बारे में अब हम आगे अध्ययन करेंगे। तीसरा इसका पॉइंट आएगा फास्फेट समूह। क्या आएगा? फास्फेट समूह। फास्फेट समूह के बारे में हम बात करते हैं। तो फास्फेट समूह ये तीसरा पॉइंट है न्यूक्लियोटाइड का, फास्फेट समूह। सबसे पहले मैंने बताया था फास्फोरिक अम्ल का सूत्र है S3PO4। ये फास्फोरिक अम्ल कैसे जुड़ा हुआ है? तो इसको हम जोड़ सकते हैं पी डबल बॉन्ड ओ, एकल बंध से OH। ये जुड़ा हुआ है फास्फोरिक अम्ल, 3 हाइड्रोजन परमाणु इससे कम कर दिए हमने, PO एकल बंध से O। ये एकल बंध से आपस में जुड़े हुए, इसको मैं लिख सकता हूं PO4-3। इसको हम बोलते हैं फास्फेट समूह। क्या बोलते हैं? फास्फेट समूह बोलते हैं इसको। ये हो गया इसका फास्फेट समूह। ये तीनों हो गए न्यूक्लियोटाइड की संरचना के घटक। क्या हो गए? तीनों हो गए न्यूक्लियोटाइड की संरचना के घटक, ठीक है।
अब हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करते हैं। देखो, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण कैसे होगा? ये होगा पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षारक, ये मिलकर बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड। अब इसके बाद में हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट समूह, ये मिलकर बनाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पेंटोज शर्करा प्लस N2 क्षारक प्लस फास्फेट समूह बराबर न्यूक्लियोटाइड। यह है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का निर्माण है वो किस प्रकार से ही होता है। तो बोर्ड पर देखेंगे एक बार, इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा इसका लास्ट टॉपिक है डीएनए में बंद के प्रकार। डीएनए में कितने प्रकार के बंद होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक है डीएनए में बंद के प्रकार। डीएनए में बंद के प्रकार यानी डीएनए में कौन कौन से बंद है वो पाए जाते हैं और कहां कहां पर वो बंद पाए जाते हैं उनके बारे में हम वो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं पेंटोज शर्करा डीऑक्सीराइबोज शर्करा बना रहा हूं। ये हो गए इसके 5 कार्बन, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन। तो इनको नंबरिंग कर दो, 2, 3, 4 और ये 5वां कार्बन, C1, C2, C3, C4 और C5। यहां से दोबारा ये कार्बन, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे हम, 1, 2, 3, 4 और ये कार्बन नंबर 5। कितने कार्बन होंगे इसके? 5 कार्बन होंगे। ठीक है, नीचे और बना देंगे एक संरचना ऐसी छोटी सी। ये बना दी, ओके। ये बन गई सर, ठीक है। अब देखो नंबरिंग करता हूँ, यहाँ से 1, 2, 3 और 4, 5वां, 1, 2, 3, 4 और ये 5वां कार्बन। कौन सा कार्बन? 5वां कार्बन। ठीक है, यहाँ देखो, अब इनको समझना एकदम आसान है। यहाँ ये 5वां कार्बन है, ये डीऑक्सी राइबोज शर्करा है। कौन सी है? डीऑक्सी राइबोज। यहाँ डीऑक्सी राइबोज शर्करा के 5वें कार्बन से जुड़ा हुआ है फास्फेट समूह। यहाँ इस बंद का नाम मैंने दे दिया फास्फोएस्टर बंद। फास्फोएस्टर बंद है वो डीऑक्सी राइबोज शर्करा पेंटोज शर्करा के 5वें कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ा हुआ है, उस बंद को हमने नाम दे दिया फास्फोएस्टर बंद। दूसरा, यहाँ ये पहला कार्बन है डीऑक्सी राइबोज शर्करा का, और यहाँ इसके पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजनी क्षारक। ये इसका पहला कार्बन है, इससे सी जुड़ा हुआ है और ये है हाइड्रोजन बंद। ठीक है, यहां देखो, यहां पर जो फर्स्ट कार्बन है डीऑक्सी राइबोज शर्करा का वो नाइट्रोजनी क्षारक से जुड़ा हुआ है, वहां पर बंद का नाम है एन ग्लाइकोसाइडिक बंद।
ये हो गया दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर टू हो गया ये, दूसरा बंद एन ग्लाइकोसाइडिक बंद। तीसरा बंद सिंपल है, नाइट्रोजनी क्षारक जी ओ सी ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य जो त्रिबंध है उसका नाम है हाइड्रोजन बंद। कौन सा बंद है ये? हाइड्रोजन बंद। तो तीसरे बंद का जो नाम हो गया हाइड्रोजन बंद हो गया। यहां देखो ये कार्बन नंबर तीन, ये कार्बन नंबर पांच, ये यहां जुड़ा पी, और यहां ये तीसरे कार्बन से फास्फेट समूह, ये पांचवें कार्बन से, तो यहां इस बंद का नाम हो गया फास्फो, चौथा बंद है फास्फो डाई एस्टर बंद, फास्फो डाई एस्टर बंद। ठीक है, ये चौथा बंद हो गया। इसके बाद में यहां जोड़ दो जी एन सॉरी ए डबल बॉन्ड टी, और ये पहला कार्बन जुड़ गया आपस में। यहाँ पे जो बंद हाइड्रोजन बंद हमें पता ही है। अब देखो ये नाइट्रोजनी क्षारक नीचे जी ए से जुड़ा हुआ है, सी ए वो टी से जुड़ा हुआ है, इस बंद का नाम पांचवा बंद है हाइड्रोफोबिक बंद। ये पांच प्रकार के बंद हैं वो डीएनए में पाए जाते हैं। ये कुल पांच प्रकार के बंदों के बारे में हमने जाना है, तो इनको ध्यान से एक बार बोर्ड पर वो देखिए आप। ठीक है, तो ये डीएनए में पांच प्रकार के बंधों के बारे में हमने अध्ययन किया है। देखो आपका जो आरबीसी हिंदी मीडियम का इस बार का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी के अनुसार है, नई बुक्स है वो मार्केट में आ चुकी हैं, और इनमें जो हमने आज जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेसन नंबर 6 वंशागति का आणविक आधार, वंशागति का आणविक आधार। और वंशागति के आणविक आधार में हमने आज जो टॉपिक लिया था वो है डीएनए, व्हाट इज डीएनए, डीएनए क्या है, कि डीएनए होता क्या है, इसके बारे में हमने संक्षेप में वो जानकारी ली है। इसका ये पहला पार्ट है, डीएनए क्या है इसका पहला पार्ट है हमने स्टार्ट किया है, तो इसके पार्ट वाइज वो कंटिन्यू है, वो आते जाएंगे। इनके पार्टों को आप ध्यान से देखिए, और यदि किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बारहवीं के लिए, आरबीसी हिंदी मीडियम के लिए मान लीजिए, या कंपटीशन के लिए मान लीजिए, तो इस पार्ट को आपको ध्यान से आपको पढ़ना है। इस पार्ट में हम आगे के लिए पढ़ेंगे डीएनए की जो संरचना है, डबल हेलिक्स संरचना कैसी होती है, डीएनए की खोज है वो किस प्रकार से हुई, डीएनए अनुलेखन अनुवादन की क्रिया के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि क्या होती है, पीसीआर टेक्निक क्या होती है, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक वो चर्चा करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से देखिए, और प्रत्येक टॉपिक को आप वो ध्यान से देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से वो फायदा होगा। तो इस टॉपिक में हमने आज जो पढ़ा है कि डीएनए क्या है, डीएनए क्या होता है, डीएनए की इकाई का नाम न्यूक्लियोटाइड होता है, और डीएनए के बारे में हमने जो विस्तार पूर्वक चर्चा की है उसको आप ध्यान से प्रत्येक पॉइंट्स को व्यू को देखिए, और इनको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इनमें कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो आपको समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, वही टॉपिक है हम पहले आपको करवा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस टॉपिक में जो भी मुख्य बातें थी मैं आपको रिपीट कर चुका हूँ, और इसमें जो मुख्य बात है वो है डीएनए में बंद के प्रकार की, कि ये पांच प्रकार के जो बंद है ना वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इन बंदों के बारे में आपको विस्तृत पूर्वक जानकारी है वो होनी चाहिए। तो इनको आप एकदम ध्यान से टॉपिक को पढ़ते जाइए, कहीं भी दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। और इन डीएनए की संरचना में
डीएनए की जो संरचना है इसमें बंधों का एक विशेष महत्व है जिसको हमें ध्यान से अध्ययन करना है। यूट्यूब चैनल रतन तंवर, इसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है जिससे कि आपको नए वीडियो प्राप्त हो सकें। और सब्सक्राइबर के पास में जो घंटे का बटन है उस घंटे के बटन को दबाना है जिससे आपको नए वीडियो आते हैं उनकी सूचना है वो तुरंत है वो प्राप्त हो जाए। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना है उस द्विकुंडलित संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक है वो चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो था उस वीडियो में हमने डीएनए के बारे में अध्ययन किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके।